सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम कैसे ऑडियो को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑडियो इन द सेंस कि आपके पास कोई भी एक ऑडियो चल रहा है आपके सिस्टम में, बैकग्राउंड में, आप चाहते हो कि वो टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाए, तो वो कैसे कर सकते हैं हम बाई यूजिंग। उसके लिए हम कोई नया टूल वगैरह यूज़ नहीं करेंगे, जो हमारे सिस्टम के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल चीज़ें हैं उन्हीं का यूज़ करके हम ये चीज़ अनेबल करेंगे। तो उसके लिए आपको सबसे पहले जाना है कंट्रोल पैनल पर, जाके सर्च कीजिए कंट्रोल पैनल। आपको ओपन करना है अपना कंट्रोल पैनल, एंड कंट्रोल पैनल जैसे ही ओपन होता है तो आपको जाना है साउंड्स के अंदर। यहाँ पे प्लेबैक में हमारे पास ये सारी चीज़ें हैं जिनके थ्रू हम अपना आउटपुट लेते हैं, हेडफोन, स्पीकर्स एंड ऑल। एंड रिकॉर्ड करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं माइक्रोफोन एंड स्टीरियो मिक्स। तो जो माइक्रोफोन है उसके थ्रू तो हम अपनी जो ऑडियो, जैसे अभी मैं बोल रही हूँ तो वो चीज़ माइक्रोफोन के थ्रू रिकॉर्ड हुई है। बाकी जो हमें सिस्टम के अंदर रिकॉर्ड करना है, सिस्टम की वॉइस को ही रिकॉर्ड करना है, रिकॉर्ड करना इन द सेंस उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है, तो उस चीज़ के लिए हम यूज़ करेंगे स्टीरियो मिक्स का। बट रिमेंबर, जब आप स्टीरियो मिक्स यूज़ करेंगे तो आपका जो माइक्रोफोन एरे है वो डिसेबल कर दिया जाएगा, और जो आप बोलोगे ना वो सुनाई नहीं देगा आपको। ये चीज़ आप ध्यान रखिए, आगे आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है कि आपका माइक्रोफोन काम नहीं कर रहा है ऐसे, तो आप एक बार प्लीज़ अपना माइक्रोफोन यहाँ पे आके चेक कीजिए कि वो अनेबल है या नहीं है। अभी मैं आपको करके दिखा देती हूँ कि कैसे कर सकते हैं। तो आपको जाना है स्टीरियो मिक्स पे एंड क्लिक, सॉरी, इस पर माइक्रोफोन पर जाना है आपको सबसे पहले, तो इसको डिसेबल कर दीजिए एंड देन स्टीरियो मिक्स को इनेबल कर दीजिए। ओके, तो अभी आपने देखा कि आपको सबसे पहले स्टीरियो मिक्स को इनेबल कर लेना है। जैसे ही आप स्टीरियो मिक्स को इनेबल करेंगे तो उसके बाद आप अपने गूगल डॉक्यूमेंट पे जाइए और वहाँ पे अपना गूगल डॉक्यूमेंट ओपन कीजिए, एंड साइड में एक और टैब में जो भी आपको ऑडियो चाहिए वो ओपन कर लीजिए, या फिर बैकग्राउंड में अगर आपके पास ऑलरेडी है तो उसको वहाँ पे लगा लीजिए एंड उसको प्ले कर दीजिए। एंड गूगल डॉक्यूमेंट के अंदर जाके आपको जाना है टूल्स के अंदर, एंड टूल्स के अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा माइक्रोफोन वॉइस टाइपिंग का, तो उसको आपको इनेबल करना है। एंड उसके अंदर आपके जो भी वॉइस का टाइप है, इंग्लिश, हिंदी, जो भी है, उसको सेलेक्ट कीजिए एंड देन उसको इनेबल कर दीजिए, एंड बैकग्राउंड में आपकी जो वॉइस है उसको प्ले कर दीजिए, जो भी आपका ऑडियो है वो टेक्स्ट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। आई होप इस वीडियो के थ्रू आपको पता चल गया होगा कि ऑडियो से टेक्स्ट के अंदर हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको लगता है कि कुछ हेल्पफुल चीज़ें आपको यहाँ से मिल रही हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।